हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनप्रीत सिंह, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिंह 1000। सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग एंड यहाँ पर इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको जो है हिमाचल प्रदेश लेकर जा रहा हूँ। पर उससे पहले यहाँ पर मैं एक लोकेशन आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये लोकेशन कितनी मस्त एंड अमेजिंग है। अगर आप लुधियाना या पंजाब से एंड देन मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कौन सी जगह है एंड इस जगह का नाम क्या, आप कहीं गए हो इस पर या नहीं। तो गाइस, हम चलते हैं। यहाँ पर जो है हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता जी की तरफ, जहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत सारी जो है मनोकामनाएं जो लोगों की जो है पूरी हो जाती हैं। तो मैं भी जो हम वहाँ पर जो जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो मतलब कि मैं टूर कर रहा हूँ या मतलब घूम रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पहली वीडियो जो बना रहा हूँ अपने यूट्यूबर भाइयों के लिए, ताकि उनको पता लगे कि हाँ यार, मैं बाहर भी कुछ घूमता रहता हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ टेक की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, यहाँ पर 120 की स्पीड के पास जो हम जा रहे हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 120 की स्पीड है, ठीक है। तो बहुत तेज़ हम जा रहे हैं, बहुत फास्ट हम जा रहे हैं, बिकॉज संडे है तो बहुत इंजॉय करना है हमने, मैं और मेरा फ्रेंड विनय है, तो हम दोनों मतलब कि घूमने जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं जो आपको चिंतपूर्णी माता जी की तरफ जो है लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो मनोकामनाएं जो है लोगों की जो है पूरी हो जाती हैं। अगर कोई भी वहाँ पर जाता है तो उसकी हर मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी है एंड बहुत सारा अमेजिंग एडवेंचर एंड फन भी है इसी वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बैट लगाता हूँ, आप बिल्कुल भी इस वीडियो के अंदर जो है बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो ग्रेट जो है हमारे जो है होशियारपुर के आगे जो है ग्रेट जो है हम जो है पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेट जो हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो है चिंतपूर्णी की तरफ जो है हम जो जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका मौसम, इसका जो है अमेजिंग वेदर जो है, यहाँ पर इधर उधर घुमाओ फिराओ इधर उधर बहुत तेज़, मतलब कि बाइक हम चला रहे हैं, बहुत तेज़ हम जो है जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ऐसा अमेजिंग वेदर, ऐसा अमेजिंग लवली लोकेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे आप फोटोशूट कर रहे हो या फिर अपना मैरिज प्लेस या हनीमून या फिर कोई भी ऐसा जो है आपका जो है प्लान है, तो आप जो है मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आप जाकर वहाँ पर जो है अपना जो हनीमून वगैरह जो स्पेंड करें। तो मतलब कि माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे एंड आपकी सारी मनोकामनाएँ भी पूरी हो जाएंगी, बिकॉज़ आप यहाँ पर इतनी बुलंदियों के बाद जो पहुँचे हो, तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हो, तो इसीलिए माता जी को थैंक्स करना ज़रूर आपका अनिवार्य है, ठीक है, ज़रूरी है। तो प्लीज़ यार, ज़रूर जाना है एक बार ज़िंदगी में, कभी ना कभी जो है हिमाचल प्रदेश मतलब चिंतपूर्णी की तरफ या फिर ज्वाला जी की तरफ जो है ज़रूर जाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, बहुत ही अमेजिंग वेदर है। यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जैसे कि जो बारिश जो है हो जाएगी। यहाँ पर मैं खड़े होकर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अमेजिंग जो है वेदर है। अगर बंदा जो है यहाँ पर कभी भी ज़िंदगी में जो हिमाचल की भूमि पर कभी नहीं गया, तो एक बार जो ज़रूर जाना चाहिए, अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी का जो एडवेंचर जो है आप मिस कर दोगे। हम जो है मतलब कि डेली तो नहीं मतलब क्या आप कह सकते हैं कि वन वीक के अंदर या फिर हम जो है दो तीन मंथ के अंदर जो हम ज़रूर जाते ही जाते हैं, बिकॉज हमें जो बहुत अच्छा लगता है हिमाचल एंड हिमाचल की लोग जो है ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु टाइप के किस्म के इंसान हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी की हेल्प वगैरह नहीं करते हैं, बट कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं जो मतलब कि हर प्रकार से यहाँ पर जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा जो है वेदर है, यहाँ पर बादल भी आए हुए हैं, कभी कभी हमारे पास के से भी जो है बादल जो है गुजरते हैं हमारे, यहाँ पर जो है बंदर भी दिखते हैं आपको, गायें वैंसें भी मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह भी आपको यहाँ पर जो है दिखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग वेदर है, तो मतलब कि ऐसी अमेजिंग लोकेशन आपको जो है कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो गाइस, हम जो जा रहे हैं यहाँ पर, जो मेरे को बहुत दिल के अंदर जो है बहुत सुकून आया, यहाँ पर पेट्रोल डलवाना है, नहीं यार पेट्रोल नहीं डलवाना यार, बहुत पेट्रोल है, माता ने बहुत दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे ऊपर और शिखर के पर जो है पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर ग्रेट की तरफ ही हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट के बाद जो है हम जो है पहुँच भी गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर पंचायत पालिका जो है हमारा जो है हार्दिक स्वागत कर रही है। तो पंजाब की बाउंड्री भी जो एंड होने वाली है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ही ठंड लग रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही आप यहाँ पर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि कितना अच्छा जो है लग रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए KTM बाइक जो है कितनी ज़ोर से जो है हमारे सामने से जो है चली गई है। तो बहुत ही लोगों को बहुत एडवेंचर होता है, लोग बहुत मतलब कि यहाँ पर इंजॉय करते हैं अगर यहाँ पर जो है कोई भी आता जाता रहता है, ठीक है गाइस। तो ये आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से हम जो है जा रहे हैं,
बहुत तेज़ी से जो हम जो है जा रहे हैं, ये देखिए गाड़ियाँ की गाड़ियाँ, मतलब कि पीछे की पीछे हम यहाँ पर जो है पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर जो है वेदर जो है देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वेदर है। यहाँ पर बारिश पड़ी हुई है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। ये देखिए यहाँ पर जो है माता जी का जो भवन जो है हमारे पास जो है, यहाँ पर भवन के पास जो है हम जो है आ गए हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें जो है भवन जो है दिख जाते हैं, हम उसके अंदर जो है चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली हम जो है भवन के अंदर जो है चले गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। इसके अंदर जो है जाकर आप अपनी माता जी के जो है दर्शन कर सकते हैं, माता चिंतपूर्णी जी के, एंड वहाँ पर आप कोई भी जो है मनोकामना या कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको ज़रूर जो है मिलता है। तो ठीक है गाइस, तो ये देखिए हमारे पास जो है बहुत ही मज़ा आता है। तो मेरे को जो भी मैंने मांगा वो सारा कुछ मेरे को जो है यहीं से जो है मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर से वीडियो जो है अभी एंड नहीं हुई। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही गाड़ियाँ से गाड़ियाँ जो है भरी पड़ी हैं। तो इतने लोग इतने पीछे जो आगे पीछे लगे हुए हैं, इसका कारण क्या है? क्या है यार, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत देखने के लिए मिल रहे हैं। ये गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, हमारा ट्रैवल ग्रुप यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये जाकर भी साले ओवरटेक नहीं कर रहा है, हम देखिए आराम से मजे से जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, इनको बोलते हैं फंसे हुए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब हम भी फंस गए। लगता है यहाँ पर ना एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए यार लैंडस्लाइड की वजह से जगह रुकी हुई है। यस, ये लैंडस्लाइडिंग गिर गई है लगता है, ये खाई। यहाँ पे एक लड़की है, आ जा मेरे भाई, एक मेरा और भाई, ओहो, चलो तो ये देखिए लगी हुई है भाई लाइन बहुत जोर से, देखिए लाइन लगी हुई है बहुत ज्यादा, दूसरी दूसरी तरफ से भी लाइन लगी है, इधर भी लाइन लगी है, दोनों तरफ लाइन लगी है और बीच में से हम जा रहे हैं। बेबी तो ये देखिए लाइन, ओ घोर अनर्थ, हमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पर भाई कोई बात नहीं, बाइक के आने का मजा ही कुछ हो रहा है। निकल गए, निकल गए। चिंतपूर्णी, ठीक है, चिंतपूर्णी माता का सफर है और मौसम बहुत अच्छा है। बाइक चलाने वाले का दिखाओ यार, कौन चला रहा है? चलाने वाले हमारे विनय वर्मा जी। हेलो, देख सकते हैं, देखिए हाँ अच्छा। जबकि आप देख रहे हैं कि लंगर की वजह से बहुत सारा जाम लगा हुआ है, जाम की वजह से बाइक नहीं निकल पा रही है। यस यस, और आगे भी आई थिंक एक्सीडेंट बहुत हुआ पड़ा है। कहा क्यों साइड दे कर दे, साइड पे लगा ले, लगता है जाम। ओ यार एम्बुलेंस है यार, साइड दे कर दा, जगह दे, एम्बुलेंस की वजह से एम्बुलेंस को जगह उधर अगे साइड दे कर दे, एक्टिवा में फंसा दे, यहां देख के गड्डी पलट गई है, यहां पे गाड़ी जो है पलट गई है। भाई मेरा कर ले, कर ले वीरे, हां तू जाते नहीं पलट ले, जहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जो मतलब कि एक बस जो है खाई के अंदर जो है गिर गई है। 65 पैसेंजर्स लेके खाई के अंदर गिर गई है। हिमाचल परिवहन की एक बस थी जो खाई के अंदर जो है गिर गई है, बहुत सारे लोगों के उसके अंदर होने की आशंका है। तो दो तीन बंदे तो शायद मर भी गए होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वगैरह सारे कुछ जो आ चुकी हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। दो बंदे जो है वो बंदे बंदे
अभी जो एक्सीडेंट जो है हो गया, बहुत ही बड़ी जो है शॉकिंग न्यूज़ है। तो मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, बट हो सकता है कि वो सारे जो लोग जो है जो थी दो तीन मरे हैं वो जो है स्वर्ग के अंदर जो है पहुँच गए हों, बिकॉज यहाँ पर कोई भी आता है तो उसका जो है स्वर्गवास ही होता है, कोई भी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज बहुत ही भाग्यशाली होते वो व्यक्ति जो मतलब कि जो है यहाँ पर माता चिंतपूर्णी जी के पास आकर जहाँ जिन पर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है वो मतलब कि माता जी उनको बुला लेती। तो इसीलिए यहाँ पर घबराने की ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जाते जाते यहाँ पर मैं आपको ये बात है आपको ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है आपको, आपको जो है कुछ भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीडेंट देख लिया तो आप यहाँ पर नहीं आएंगे, ऐसा होता रहता है यार, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि हिमाचली लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे की मतलब हेल्प भी करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो वेदर कितना अच्छा है, तो मतलब कि यहाँ पर बारिश ऑलमोस्ट जो है पड़ती रहती है, पहाड़ों के अंदर जो है बहुत ही अच्छा जो है मज़ा आता रहता है, गाड़ियों पीछे जो आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पर आपने कभी भी ड्राइव करनी हो तो अपनी लाइन में रखकर ही अपनी गाड़ी चलाइए या फिर बाइक चलाइए, तो प्लीज़ यार किसी को ओवरटेक नहीं करना, बहुत ही गलत जो है बहुत ही गलत हो सकता है आपके साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बादल होते हैं हमारे पास जो है मतलब कि हम बादलों के बीच में से जो है गुजर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, मतलब कि आप अगर बाहर के लो मतलब कि लुधियाना पंजाब या फिर जलंधर हिमाचल या फिर दिल्ली हरियाणा के कहीं पर भी हो, तो मतलब कि आप हिमाचल की भूमि पर जो है अपनी जो है ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो ये यहाँ पर जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि अब बाहर का कोई बंदा आकर हिमाचल के अंदर आकर जो है ज़मीन खरीद सके, तो यहाँ पर हिमाचल का बंदा ही हिमाचल की ज़मीन जो है खरीद सकता है। आप यहाँ पर आइए, पिकनिक स्पॉट पर आइए, घूमने फिरने आइए, खाने पीने आइए, माता जी के दर्शन करने आइए, मनोकामनाएं जो है कोई भी मांगेंगे तो वो जल्दी जो है ज़रूर पूरी होगी। तो यार उम्मीद है आपको ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है बहुत ही पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दिया करो ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड यहाँ पर ऐसे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऐसे पिकनिक स्पोर्ट्स, ऐसे जो है बहुत सारी जो है ढेरों चीज़ें मैं आपको जो है आपके सामने लेकर आऊँगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, एंड उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस, बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, 'cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone.